हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीबीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। नेशनल कमीशन ऑफ एससी पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके क्या काम है, कितने लोग मेंबर होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये जो वित्त आयोग है या इस तरीके के संवैधानिक निकाय जितने भी हैं, उसका ये आई थिंक 8वां या 9वां वीडियो होगा, जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे पॉलिटी पे डेडिकेटेड लेक्चर्स हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। नेशनल कमीशन ऑफ एससी, पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, ये एक संवैधानिक निकाय है। मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट वर्क्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। ये जो है भारत के शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए काम करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। पहले जब संविधान था तो ये सब प्रोविजन नहीं थे, इसको धीरे धीरे यूटिलाइज किया गया, फिर इसके क्या क्या हुए ये सब हम लोग देखेंगे अभी। इट प्रोवाइड्स द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इसने पहले जो बना था वो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक था, ठीक है, 338 आर्टिकल, लेकिन बाद में इसे डिवाइड कर दिया गया, 338 ए कर दिया गया, किसको, अनुसूचित जनजाति आयोग को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। उन्हें प्रदान किया गया सुरक्षा उपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच, निगरानी करने, विशिष्ट मामलों की जांच, शिकायतों की जांच, उनके सामाजिक आर्थिक विकास आदि की योजना प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने के कर्तव्य के साथ साथ प्रदान करता है। ये अधिकार हैं इनके, इनके काम है, ठीक है। अब इतिहास और उत्पत्ति, विशेष अधिकारी। पहले जब संविधान बना था तो उसमें स्पेशल ऑफिसर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर अंडर द आर्टिकल 388। लेकिन स्पेशल ऑफिसर जो डिजिग्नेट होते थे वो यही काम करते थे, उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है कि नहीं, उनके लिए जो योजनाएं सरकार बना रही है कि नहीं। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया, 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990, इसमें संशोधन किया गया। इसको इट रिप्लेस द वन मेंबर सिस्टम विद अ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। इसको रिप्लेस करके 65वें अमेंडमेंट में इसको बना दिया गया मल्टी मेंबर। एक आदमी था वो नहीं देख पाता था अच्छे से, ऐसा लगा जरूरत हुई तो ये बदल दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन 65 अमेंडमेंट एक्ट 1990 अमेंडेड द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ तब कैसा इसका संरचना हुआ है ये देखिए यहाँ पे। वो तो आपने देख लिया, 65वां के थ्रू ये आया है नेशनल कमीशन ऑफ एससी, तब से ये यही नाम चल रहा है। इसकी अमेंडमेंट कब हुई है, यानी संशोधन 89 अमेंडमेंट 2003, 89वां संशोधन हुआ है, जिसमें एससी और एसटी ये दोनों आयोग को बांट दिया गया। 2004 से ये दोनों आयोग अलग अलग काम करते हैं। इसको ऐसे समझो, 2003 में अमेंडमेंट आया तो उस समय वो एग्जैक्ट लागू नहीं हो पाया, 2004 से इसको अलग अलग काम करना शुरू किया गया। क्योंकि कमीशन जो है उनका काम होता है अपने अपने जो जिसके लिए वो काम कर रहा है अधिकार क्षेत्र में, उनकी देखरेख करना। तो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों कुछ कुछ मामलों में बहुत अलग हैं, इसलिए ये लाया गया था, अनुच्छेद 338 ए दे दिया गया अनुसूचित जनजाति को। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं, फिर यही है 5 मेंबर इसमें होते हैं, और 5 मेंबर कैसे कैसे होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर के द्वारा नियुक्त होते हैं कंप्लीटली। अब इनके काम क्या क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। जो एग्जाम के लायक चीजें हैं वही हम पढ़ाते हैं, हमेशा से मेरा रूल रहा है, मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑल इशू कंसर्निंग द सेफ गार्ड ऑफ द एससी एंड एसटी, उनसे संबंधित जो भी उनको सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, सभी मुद्दों की निगरानी और जांच का, अनुसूचित जातियों के अधिकार सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जांच करना, ठीक है, जो भी अगर उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं उसकी जांच करना, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना जो चल रही है उनमें उनको मिल पा रहा है कि नहीं, केंद्र या राज्य सरकार योजना जो बना रही है उनको सलाह देना, ये इनका काम है। इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर देश के राष्ट्रपति को नियमित रिपोर्ट देना, ये अपना रिपोर्ट कहां सौंपते हैं, राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। अनुसूचित जातियों उनके आर्थिक विकास एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना, ये भी इनका काम है। अनुसूचित जाति और समुदाय के कल्याण, संरक्षण, विकास, उन्नति के संबंध में कोई अन्य कार्य अगर होगा तो ये करेंगे। आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी उसी तरीके के कार्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है जैसा कि वह अनुसूचित जाति के संबंध में करता है। बात समझ में आ गया आपको, आयोग को यही मतलब ये सारे काम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी दिया गया है, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन मालूम है आपको संविधान से थोड़ा कम कर दिया गया है। 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग का भी काम दिया जाता था, लेकिन उसके बाद 102 अमेंडमेंट आया और ये चीज बदल दी गई है, उनके लिए अलग कमीशन बना दिया गया है। तो थैंक यू सो मच, छोटा वीडियो था लेकिन आपके काम का वीडियो था, लाइक जरूर किया होगा आपने, थैंक यू सो मच।